what we have discussed till now about the chapter carbon and its compounds. So we have discussed about the unique nature of the carbon. That why carbon is able to form a variety of compounds. Okay, so these compounds of the carbon with the hydrogen, they are known as the The reason why, due to the catenation property, the salinity property of the carbon. Okay, second was tetravalency. That means the carbon can easily share its four electrons with the other. वो बाकी एटम्स के साथ इजीली अपने ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर कर सकता है एंड बिकॉज़ इट इज स्मॉल इन साइज इट इज हैविंग अ टेंडेंसी फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है इन व्हिच वी विल टॉक अबाउट द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ओके दिस लीड टू अ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन विद सम ऑफ दी अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन तो इनके साथ जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है बाकी एलिमेंट्स के साथ कैटेनेशन में तो वो खुद कार्बन के साथ ही करता है ओके सो द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली इट वाज फॉर द साइंटिस्ट ठीक है फॉर द साइंटिस्ट दे बिलीव एक्चुअली कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ही बनते हैं बस बाहर इन द लेबोरेटरीज वी कांट फॉर्म दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके सो दे वर एक्चुअली थॉट टू एग्जिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं एसिड्स हैं ओके तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वी आर हैविंग इन आवर बॉडी सो देयर ओरिजिन इट वाज थॉट टू बी द इन द लिविंग ऑर्गेनिजम बट लेटर ऑन द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज साइंस वाज So this can be a question for you that what is the first organic compound that was synthesized? So it was urea. Urea का formula क्या है? This is the formula of urea. NH2CONH2. Okay, it was synthesized for the first time the organic compound. Okay, in 1828 by the scientist Frederick Wohler. Okay, along with ammonium sulfate, he also used potassium thiocyanate. So this is the formula of potassium thiocyanate. Cyanate, not thiocyanate. Okay, so this is potassium cyanate, right? And after the periodic table, अमोनियम साइनेट बना था दिस इज अमोनियम साइनेट दिस इज अमोनियम साइनेट ओके अमोनियम साइनेट इज दिस अमोनियम सल्फेट है ये ठीक है दिस इज पोटेशियम साइनेट दिस इज अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट राइट तो इसको बाद में उन्होंने रीअरेंज किया व्हेन ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ दिस इट गिव्स NH2CONH2 तो यू कैन सी हियर टू नाइट्रोजन आर देयर दो नाइट्रोजन लिख दिए मैंने चार हाइड्रोजन है ये चार हाइड्रोजन है एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है ओके दिस ऑन रीअरेंजमेंट इट गिव्स यू यूरिया So this is all about the history of the organic compounds, how they were synthesized. Okay, and the first organic compound that was synthesized in the laboratory that was urea. Now next we were doing the concept of hydrocarbons. हम hydrocarbons पढ़ रहे थे. Where we actually discussed about the hydrocarbons.
as the compounds of the hydrogen and carbon. ओके इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द एल्केन. एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड है दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड. तो इसमें सिंगल बॉन्डेड सारे आ जाएंगे आपके. एंड इट्स जनरल फॉर्मूला वाज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो जैसे आप कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाओगे ठीक है यहाँ पर आपके पास मेंबर्स जो है इसके एल्केन्स के आते जाएंगे. Then it was alkene and alkynes. Okay, and they were the unsaturated hydrocarbon. Alkane, they are the saturated one. Okay, they are the saturated hydrocarbons. Alkene, they are having the double bond. And alkynes, they are having the triple bond. Where the general formula of alkene is CnH2n and the general formula of alkyne is CnH2n-2. Okay, तो मैंने आपको सारे members बता दिए थे इसके and nomenclature में भी मैंने आपको word root बताया था कि we are having word root. Okay, myth, it, prop, but, pent, right, hex, hept, oct, non, dec. तो ये हमने 10 तक जो थे वो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे. इनकी नेमिंग्स भी मैंने आपको बता दी थी कि हमेशा हमने पहले वर्ड रूट लिखना है. ओके उसके साथ हमने सफिक्स लगाने होते हैं एन इन और आइन जो भी आपका है. वर्ड रूट में मैंने आपको बताया था मिथ इथ प्रॉप ब्यूट. ओके तो अगर मैंने 3 कार्बन वाला लिखना है तो डेट विल बी प्रॉप. और अगर सपोज दे आर ट्रिपल बॉन्डेड ठीक है तो इट विल बी आइन. तो नाम बन जाता है प्रोपाइन. राइट अब इसमें हमने नेक्स्ट कैटेगरी करनी है. वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट कैटेगरी हियर दैट आर द साइक्लिक और क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स. इसमें ही नेक्स्ट कैटेगरी है दे आर द साइक्लिक क्लोज्ड और यू कैन से द रिंग स्ट्रक्चर्स. ओके दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक क्लोज्ड एंड रिंग स्ट्रक्चर्स. राइट सो फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इफ वी डिस्कस अबाउट द क्लोज्ड और द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एलाई साइक्लिक एंड एरोमेटिक. ये दो तरह के हैं आगे. एक होते हैं एलाई साइक्लिक ओके एंड द सेकेंड इज एरोमेटिक. इन द एलाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इन द एलाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं जैसे ये है ठीक है. इसमें आप देखो इन एजेस पे हम क्या लिखते हैं कार्बन एटम्स लिखते हैं. तो यानी कि इसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं 3 कार्बन एटम्स हैं. एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दिस थिंग कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है. तो हर एक कार्बन की जैसे मैंने आपको स्ट्रेट चेन में बताया था सपोज आई ड्रॉ दिस तो उसके बाद हमने हर एक कार्बन की जो है वो वैलेंसी पूरी करनी है. अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया दैट मींस इट इज लेफ्ट विद 3 बॉन्ड्स. तो 3 हाइड्रोजन्स लगाने हैं. अगेन यहाँ पर भी 3 आएंगे. इस कार्बन इसके साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इट विल बी हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. सिमिलरली दिस कार्बन हैज मेड 2 बॉन्ड्स विद द अदर 2 कार्बन एटम्स सो इट विल बी हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. तो 4 वाली जो वैलेंसी है 4 वैलेंसी दैट यू शुड बी कंप्लीटिंग फॉर ईच एंड एवरी कार्बन एटम. नाउ सी फॉर दिस स्ट्रक्चर अब इसमें कार्बन ने अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं तो उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं दैट मींस 2 हाइड्रोजन्स दे विल बी देयर. ठीक है 2 हाइड्रोजन्स दे विल बी देयर. नेक्स्ट सेम फॉर दिस सेम फॉर दिस. तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो इसका फॉर्मूला है C3H कितने हैं 2, 4 and 2, 6 तो C3H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कार्बन. ओके दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस.
अब उसके बाद ये जो मैंने लिखा है खोल के इसका स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ओके, कि हम उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. इज दैट क्लियर टिल नाउ बेटा? राइट, इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म भी कह देते हो, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म. कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम ये सारे कार्बन को खोल के लिखते हैं, ओके, इसको आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो. अब इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, सो वी विल राइटिंग अ वर्ड साइक्लो फर्स्टली फॉर देयर नेमिंग. हमने जब भी इनकी नेमिंग करनी है हम एक साइक्लो वर्ड जो है वो जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बंद है, साइक्लिक है, क्लोज्ड है, ठीक है. सो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म साइक्लो फर्स्टली इन द प्रीफिक्स पार्ट. बाकी पार्ट आपका सारा सेम रहेगा, जिसमें आप तीन कार्बन देख रहे हो, सो इट विल बी प्रोप, ठीक है, तीन कार्बन देख रहे हो तो प्रोप आ जाएगा, एंड दे ऑल आर जॉइंट बाय सिंगल बॉन्ड तो एन आ जाएगा. तो रेस्ट इज ऑल सेम जो आप पढ़ के आए हो, ओके. तो ये थ्री वाला था, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द फोर वन. तो ये हो जाता है आपका साइक्लोब्यूटेन, फोर कार्बन, वन टू थ्री फोर, ठीक है. सो इसका नेम क्या बन जाता है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन बन जाता है विद द फॉर्मूला ऑफ C4H8. अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखूं तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, राइट. तो ऐसा ही होगा कुछ इसका स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हो चार कार्बन है, दो दो चार पांच छह और सात आठ, आठ हाइड्रोजन है, सो C4H8, सो इट्स नेम इज साइक्लोब्यूटेन. सिमिलरली यू विल बी हैविंग अ साइक्लोपेंटेन, पांच वाला स्ट्रक्चर, दिस इज फाइव. अगेन जब आपको सिक्स वाला चाहिए, दिस विल बी फॉर द साइक्लोहेक्सेन, सो दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ओके. सो दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एलाई साइक्लिक हमने अभी बात की है, दे ऑल आर द एलाई साइक्लिक. नाउ क्विकली टेल मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, quickly tell me the molecular formula of cyclohexane. कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं cyclohexane में? Yes. So that is C6H12. Very good. ठीक है. So you can clearly see 1, 2, 3, 4, 5, and 6. तो हर एक के पास जो है वो दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 2 to 4 to 6, 8, 10, and 12. So its formula is C6H12. So they all are the ali cyclic hydrocarbons. Okay. Now coming to the aromatic. Now coming to the aromatic structures. See how the ali cyclic, they are different from the aromatic. The aromatic structure, they always contain an aromatic ring. अगर किसी कार्बन कंपाउंड में, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग आ जाती है तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ओके. एंड व्हाट इज एरोमेटिक रिंग हेयर, सी वी हैव डन द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हमने किया अभी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पढ़ा अभी, ठीक है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर था. अब इस साइक्लोहेक्सेन को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ. कैसे मोल्ड करना है, मैंने अल्टरनेट पोजीशंस पे, अल्टरनेट मींस सिंगल डबल सिंगल डबल, दीज आर द अल्टरनेट पोजीशंस, मैंने अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगाना है. अब देखो मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया, अब ये सिंगल बॉन्ड है, ओके. अगेन ये और ये दोनों डबल बॉन्ड हो गए. अगेन this is single bond, again this is double bond, okay. तो जब मैं ऐसे कर देती हूं तो ये मेरे पास अब cyclohexane नहीं रहा है,
ये क्या बन जाता है, इट फॉर्म्स एन एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर. ओके, इट फॉर्म्स एरोमेटिक रिंग जिसको हम क्या कह देते हैं, बेंजीन, जिसको हम क्या कह देते हैं, बेंजीन रिंग कह देते हैं. ओके, अब मैं इसको खोल के अगर बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका. ओके, अब डबल बॉन्ड्स भी लगा देते. अब देखो वन थिंग मोर बेटा, मैंने यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट किए हैं, आप यहां से सिंगल भी कर सकते हो स्टार्ट. तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. अब देखो मैंने यहां से जो स्टार्ट किया, दिस वन, दिस पोजीशन, अब मैंने वहां पर, यहाँ पर डबल है, मैंने यही पोजीशन को सिंगल कर दिया. अब मैं अगर इसको सिंगल ले रही हूँ तो नेक्स्ट डबल, फिर सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल. ओके, सो यू कैन राइट द स्ट्रक्चर इन आइदर वे. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. सपोज अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. अगेन ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेयर आई एम हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू, अगेन आई एम हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दीज टू एंड अ डबल बॉन्ड बिटवीन. ओके, तो इस अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है. अब देखो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना दिए हैं, 3, तो यानी कि एक हाइड्रोजन आएगा. अगेन इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना दिए हैं, 3, तो सबके साथ हमने क्या लगाने हैं, एक एक हाइड्रोजन लगाने हैं, क्योंकि आप देखोगे सारे के सारे कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना दिए हैं ऑलरेडी, 3 के. ओके, तो इसका फॉर्मूला अब क्या बन जाता है, दैट इज C6H6. ओके, तो एलाई साइक्लिक में इट वॉज C6H12. अब पूरे के पूरे हमने 6 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिए हैं. ओके, तो द फॉर्मूला विल बी C6H6. सो व्हेनेवर द हाइड्रोकार्बन्स, व्हेनेवर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन दीज बेंजीन रिंग, जिसमें भी बेंजीन रिंग होगी वो कौन से कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे. ओके, दीज विल बी द एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हेनेवर यू आर हैविंग बेंजीन रिंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हां जी, इज दिस क्लियर टिल नाउ बेटा, यहां तक क्लियर हुआ, यस नो राइट. ठीक है, अब हमें यहां तक क्लियर हो गया है, नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, अब मैंने ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स करने हैं. ओके, मैंने अभी तक आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स करवाए हैं सारे, हमने स्ट्रेट चेन सीधे किए हैं या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर किए हैं, ठीक है, सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स किए हैं, क्लोज्ड. अब हम एक तरह के और स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़े से बताए थे. आई गेव यू हिंट ऑफ दीज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स. ओके, सो एक हमारे पास होते हैं सीधे स्ट्रेट चेन, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे. एक हमारे पास हो गए साइक्लिक, जो हमने क्लोज्ड बात की, क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. ओके, थर्डली ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर आल्सो ब्रांच्ड, जिसमें जो स्ट्रेट चेन है उसके आसपास क्या होती है, ब्रांचिंग होती है. जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, एक मेन स्टेम होती है और उसके बाद राइट नंबर ऑफ द स्टेम्स दे आर देयर. ठीक है, तो ऐसे करके हम भी क्या करेंगे, हमारी एक मेन स्टेम आएगी, ठीक है, हमारा एक मेन चेन आएगी, स्ट्रेट चेन आएगी, और उस स्ट्रेट चेन में क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस दी स्ट्रक्चर्स. सी इफ वी आर कंसर्न्ड विद द ब्रांचिंग, ठीक है, तो ब्रांचिंग जो है वो 2 से तो स्टार्ट होगी नहीं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ब्रांचिंग पोर्शन फ्रॉम द 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, 3 से कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं, 3 से नहीं होगी हमारी, 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वन. तो ये है मेरा ब्यूटेन,
Okay, this is the structure of butane. CH3, CH2, CH2 and CH3. ठीक है, हमेशा पहले कार्बन लिखो, उसके बाद जितने उनके हाइड्रोजन बनते हैं हमने वो फॉर्म करने होते हैं. नाउ कैन आई ड्रॉ, सी अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इट विल बी C4. ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो डेट विल बी C4 एंड H विल बी 10. यही है एल्केन का. अगर मैं इस अकॉर्डिंग भी देखूं तो ये फॉर्मूला जो है वो सेम बनना चाहिए, 4 2 8 + 2 10. क्योंकि एल्केन है तो आई विल बी यूजिंग माय जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो दोनों के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला सेम बना है, C4H10. ठीक है, अब क्या इस C4H10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस? कैन आई राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस? मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर मैं देखूं है तो चार कार्बन ही, चाहे मैंने वो सीधे लिख दिए हैं या उसमें से एक हटा के मैंने ब्रांचिंग में लिख दिया. अब दोबारा से इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं. सी, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, इट विल बी फॉर्मिंग 3 bonds. ओके, नाउ दिस कार्बन हैज फॉर्म्ड 3 bonds. ओके, 3 है तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर. अगेन दिस कार्बन हैज फॉर्म्ड 1 bond, सो वी विल बी राइटिंग 3. अगेन दिस कार्बन हैज फॉर्म्ड ओनली 1 bond, तो आई विल बी राइटिंग 3 hydrogen atoms है. तो दोबारा से आप काउंट करो हाइड्रोजन कितने बने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10. ओके, तो मेरे पहले भी इतने ही थे, C4H10 था, बाद में भी जब मैंने ब्रांचिंग में लिख दिया है तो अगेन द फॉर्मूला इज सेम, C4H10. बट देयर इज डिफरेंस इन द नेमिंग पार्ट. पहले की नेमिंग जो थी वो ब्यूटेन थी, दैट वॉज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर. ठीक है, जो आपने पहले लिखा है दैट इज द स्ट्रेट स्ट्रक्चर जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है. नाउ वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन व्हाइल डूइंग द नेमिंग पोर्शन, तो नेमिंग में मैंने आपको बताया हुआ है, ये लिख लो कहीं पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, और वर्ड रूट के आगे जो लिखे जाते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. जैसे आप पंजाबी में पढ़ते हो ना, अगेतर पिछेतर, ठीक है, तो वही है ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स. जो वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, अगेतर जो आगे लगते हैं, जो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं दैट आर कॉल्ड एज सफिक्स, जो पीछे लगते हैं पिछेतर कहते हैं आप उनको, है ना पंजाबी में. सो इन द सेम वे वी आर हैविंग सम ऑफ द नेमिंग टर्म्स इन आवर नेमिंग पोर्शन विच विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ड रूट एंड सम ऑफ द पार्ट दे विल बी राइटिंग आफ्टर द वर्ड रूट. ओके, तो जो सफिक्स लिखे जाते हैं दे आर द एन, इन एंड आइन, ये होते हैं आपके सफिक्स जो डिपेंड करते हैं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड. जो प्रीफिक्स होते हैं आपके दे आर मोस्टली साइक्लो, अभी जो आप लिख के आए हो, जैसे आपने साइक्लोपेंटेन लिखा, साइक्लोहेप्टेन लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन लिखा, तो साइक्लो वर्ड पहले लिखते हैं हम वर्ड रूट से, तो साइक्लो वर्ड जो है वो प्रीफिक्स में चलता है. ओके, इन द सेम वे अगर मैं सबसे पहला मिथाइल देखूं, सी इफ वी सी द फर्स्ट एल्केन, सबसे पहला जो एल्केन है वो आपका है मिथेन. इसमें से जब आप एक कार्बन एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हो सो दैट इज गोइंग टू गिव यू CH3, ऐसे ही होगा. CH4 में से एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया, आई एम लेफ्ट विद CH3. तो ये कार्बन के साथ मैंने माइनस नहीं लिखा है, मतलब कार्बन की टेंडेंसी है कि अब वो एक बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है. ठीक है, इट वॉज टेट्रावेलेंट, जब उसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है तो अब उसने 3 bond बनाए हैं, तो चौथा बॉन्ड उसका खाली है, तो ये चौथा बॉन्ड है बेटा. दिस इज द फोर्थ बॉन्ड दैट इज लेफ्ट विच द कार्बन कैन मेक विद द अदर कार्बन एटम्स. ओके, तो ये जो बन जाते हैं दे आर नोन एज मिथाइल ग्रुप. ये क्या हो जाते हैं, दे आर द मिथाइल ग्रुप. एक कार्बन है तो हमने क्या लिख देना है, मिथ, और साथ में लगा देना है आइल, सो दैट विल बी मिथाइल ग्रुप.
इन द सेम वे, ज्यादा नहीं करवाऊंगी मैं आपको मिथ और इथ करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपके लेवल तक इतने बहुत हैं। जैसे मैंने इथ मिथाइल बनाया है, वैसे ही जो सेकंड मेंबर है एल्केन फैमिली का, आपको पता है डेट इज C2H6, यही होगा। देखो इस फॉर्मूला में पुट करो C2, 2 to the 4 plus 2, 6। सो दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ द एल्केन फैमिली, ओके, C2H6। अब इसमें से भी जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी तो आई विल बी लेफ्ट विद C2H5। जैसे ये मिथाइल बना है, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इथाइल ग्रुप। दे आर द मिथाइल ग्रुप एंड द इथाइल ग्रुप, ओके, जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। जिनको हम क्या कहते हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। दे कम इन द ब्रांचिंग साइड, यानी कि चेन की साइड पे लगे हुए हैं, ये मेन चेन में नहीं आ रहे हैं, चेन की साइड पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, उनको हम कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये भी चेन की साइड पे लगे होते हैं, ओके, एंड दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रीफिक्स पार्ट। तो ओके, सो दे ऑल आर इंक्लूडेड, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्रीफिक्स पार्ट, द साइक्लो वर्ड एंड द साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अभी मैं जैसे आपको ब्रांचिंग का बता रही थी इसका, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। तो सी, इफ आई सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, दिस इज CH3, दिस इज CH, CH3 और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। नॉर्मल में इसका नाम जो बन जाना था डेट वॉज ब्यूटेन, ओके, इट्स नेमिंग इज ब्यूटेन इफ वी कंसिडर दिस स्ट्रेट चेन, राइट। अब देखो नेक्स्ट थिंग, अब जब ब्रांचिंग पोर्शन आ जाती है ना, तो जैसे आप ट्रीज की एक मेन स्टेम सेलेक्ट करते हो, ओके, व्हेन एवर वी आर हैविंग द ब्रांच स्ट्रक्चर, तो जैसे आप ट्री की एक मेन स्टेम सेलेक्ट करते हो, वैसे ही आपको इनकी भी यहाँ पर एक मेन स्टेम जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यू हैव टू सेलेक्ट दैट, ठीक है। बट यहाँ पर हमने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो मेन स्टेम हम सेलेक्ट करें उसमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड हो, ठीक है, द स्टेम इट शुड इंक्लूड द मैक्सिमम कार्बन, द मेन चेन दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट उसमें मैक्सिमम कार्बन जो है वो आने चाहिए, ओके। तो देखो, आई विल बी सेलेक्टिंग माय मेन स्टेम एज लाइक दिस। मैंने ये कह दिया है कि मैं ये वाली जो है वो मेन स्टेम लूंगी, और ये जो बाहर कार्बन निकल गया ये मेरा क्या होगा, इट विल बी अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। ये जो बाहर कार्बन निकल गया है ये क्या होगा, इट विल बी अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। आप इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते थे, देखो तीन कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते थे, फिर ये जो था वो साइड में निकल जाना था। सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस, आप इसको, इसको और इसको इंक्लूड कर सकते थे, ये साइड चेन में निकल जाना था। बट हर हालत में, ठीक है, इन ईच एंड एवरी केस वी आर गेटिंग थ्री कार्बन एज द मैक्सिमम वन। चाहे मैं सीधा जाऊं, चाहे मैं ऐसे घूम के जाऊं, मुझे हर बारी तीन कार्बन मिल रहे हैं, तो वाई नॉट वी सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि सब में नेमिंग सेम आती है, ठीक है, सब में नेमिंग सेम होगी। अब हम ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, पहले वर्ड रूट लिखते हैं। तो मेरी मैक्सिमम चेन में कितने कार्बन है, 1, 2 and 3, तो 3 के लिए जो मेरा वर्ड रूट है डेट इज प्रॉप, 3 के लिए जो मेरा वर्ड रूट है डेट इज प्रॉप। सफिक्स बताओ, एन इन आइन, सो यू कैन सी दे ऑल आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। प्रीफिक्स रह गया क्योंकि इसमें हमारा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है,
ठीक है. Whenever we are going to name it, तो मुझे कोई ना कोई नंबरिंग तो देनी पड़ेगी ना कि ये किस तरफ है, वन पोजिशन पे है, टू पोजिशन पे है, थ्री पोजिशन पे है. ओके तो नेमिंग देते हैं. लेट स्टार्ट कि मैं यहां से नेमिंग करती हूँ, वन टू थ्री. और नेमिंग आपने हमेशा जो है वो मेन चेन की करनी है. द नेमिंग विल बी डन फॉर द मेन चेन. तो ये वन हो गया, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया. ओके अब मेरा सब्सिट्यूएंट किस कार्बन के साथ लगा है, जो सेकंड पोजीशन पे है. ठीक है, सपोज यहां से नंबरिंग ना स्टार्ट करके मैं यहां से करती, तो ये वन हो जाना था, ये टू हो जाना था और ये थ्री हो जाना था. तो तभी भी मेरे सब्सिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, टू ही मिल रहा है. ओके बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर हेयर. ठीक है, अब ये तो ऐसा केस था जिसमें आपके सब्सिट्यूएंट को दोनों तरफ से सेम नंबर मिला, चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो या चाहे आप राइट से स्टार्ट कर रहे हो, योर सब्सिट्यूएंट इट इज गेटिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स. बट अगर आपका सब्सिट्यूएंट जो है वो सेम नंबर नहीं एक्वायर कर रहा है दोनों साइड से, तो आपने उस साइड से नेमिंग स्टार्ट करनी है जहां से कम नंबर मिले. यू हैव टू स्टार्ट द नेमिंग फ्रॉम दैट पार्ट वेयर your side substituent is getting the lowest number. Okay, तो ये मैं आगे बताऊंगी आपको, we will be discussing this also, but this point you should note down here only. Okay, तो आपने यहाँ पर भी ये point note कर लेना है कि मैंने एक तरफ से naming करके नहीं देखनी है. I'll be doing the naming from both the side and then I'll be selecting कि मैं left से start करूँ कि मैं right से start करूँ, ताकि जो मेरा substituent है उसको कम से कम number मिले. ठीक है, अब यहां पर दोनों तरफ से उसको टू नंबर मिल रहा था, राइट. तो अब इसका नाम लिखते हैं. सी जस्ट अ मिनट, कंप्लीट कर लें इसको, फिर नेक्स्ट हम कल करेंगे. अब इसको टू नंबर मिला तो पहले हम टू लिखेंगे. ओके वी विल बी राइटिंग टू हेयर. उसके बाद जब भी आपने नंबर और एक लेटर लिखना होता है, अल्फाबेट लिखना है, ओके यू विल बी प्लेसिंग अ हाइफन. हमने हाइफन लगाना होता है. तो टू के बाद मैंने क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है. दिस इज वन कार्बन, दिस इज मिथाइल. सो आई विल बी पुटिंग अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द अल्फाबेट. तो इसका नाम बन जाता है टू मिथाइल प्रोपेन. क्या नाम बन जाता है इसका, टू मिथाइल प्रोपेन. ओके सो इन द सेम वे विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स टुमारो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि नई चीज आज आपने पढ़ी है तो इसको घर जाके एक बार जरूर रिवाइज करना. ठीक है, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.